फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना फैशन डिज़ाइनिंग। आज हम सीखने वाले हैं पॉकेट्स। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉकेट्स, बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं। सम आर यूज इन अपर गारमेंट्स, मतलब शॉर्ट्स में यूज़ होते हैं, कोई पैंट्स में, जीन्स में या स्कर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, ब्लेजर्स में पॉकेट होते हैं। तो पॉकेट्स का यूज़ जो होता है और उसके टाइप्स क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे फर्स्ट पैच पॉकेट, हेयर यू कैन सी, ये जो है ये पैच पॉकेट है। सो गारमेंट बनने के बाद ऊपर से कोई कपड़ा स्टिच किया जाता है, उसे पैच पॉकेट बोलते हैं। सो बेसिक ये शेप होता है। सो इसे कैसे ड्रॉ करना है, लाइक दिस, एक रेक्टेंगल शेप मोस्टली होता है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, स्ट्रेट लाइंस लेने हैं, स्ट्रेट मतलब कंप्लीट स्ट्रेट नहीं, हल्के से इनसाइड टर्न करना है हियर, एंड देन ये फोल्ड लाइन होती है, शो बाय द डॉटेड लाइन। सो यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस, मतलब ये स्टिचिंग लाइंस होती है, इस तरह से हम दिखाते हैं पैच पॉकेट। अब ये जो है, ये पार्ट जो ऊपर से उसे अगर कवर है, मतलब ये ना है, तो इसे पैच कहेंगे। अब इसी को ऊपर फ्लैप्स भी होते हैं। सो फ्लैप मतलब ये ऊपर का जो कवर होता है, दैट इज़ द फ्लैप पार्ट। यूनिफॉर्म्स में मोस्टली फ्लैप पॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अब ये जो है दीज आर द बेसिक। अब इनके अलग अलग पैटर्न्स हम देख सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉन्ट्रास्ट या उसी का डार्कर शेड यहाँ पे यूज़ किया है। ये आप देख सकते हो किड्स वेयर में ये बहुत अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कलर में और शेप भी चेंज किया है, सो वाटरमेलन के जैसे ये लग रहा है। सो ऐसे भी बहुत सारे कार्टून्स या अलग अलग शेप्स के आप पॉकेट्स कट करके गारमेंट्स में अटैच कर सकते हो, लाइक द हार्ट शेप, फ्लोरल शेप, वॉट एवर। सो ये हाफ राउंडेड, सी ये राउंड शेप, इसे मैंने ऐसे कट किया। सो हाफ ऑफ कलर में दिखा सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे शेप्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। सो पैच पॉकेट्स के टाइप आपको समझे हो। देन इज नेक्स्ट वन इज बाउंड पॉकेट या स्लैश पॉकेट। सो ये सपोज कि जैकेट या ब्लेजर है। अब यहाँ पे ये ऊपर से सिर्फ पट्टी दिख रही है, पॉकेट अंदर साइड होता है, तो इसे बाउंड कहा जाता है। बाउंड मतलब ये जो ऐसे फैब्रिक आपको स्ट्रिप दिखाई देती है। सो जस्ट आपको जहाँ पे भी पॉकेट दिखाना है गारमेंट में, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देना, सो समझ में आ जाता है कि ये बाउंड पॉकेट है या स्लैश। बाउंड मतलब कि अंदर से बड़ा पॉकेट है, बट बाहर से आपको सिर्फ ऐसी ब्रॉड पट्टी दिखाई देती है। सो दिस इज द बाउंड पॉकेट। स्लैश जो होता है, यहाँ पे ये स्ट्रिप आपको दिखाई देती है, इसमें आप कलर्स चेंज कर सकते हो, लाइक ये ब्लैक है तो यहाँ पर रेड कलर का ये पैच लगा सकते हो आप। बाउंड स्लैश पॉकेट का मतलब होता है यू जस्ट कि एक हल्की सी लाइन, कटिंग लाइन आपको दिखाई देगी। सामने से समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे पॉकेट है कि नहीं। सो आपको जब गारमेंट में दिखाना है कि स्लैश पॉकेट, सो जस्ट ऐसी लाइन आपको दिखानी होती है। जैसे कि यहाँ पे मुझे स्लैश पॉकेट दिखाना है, तो मैं ऐसे लाइन यहाँ पे दिखाऊंगी। सो दिस इज द स्लैश पॉकेट। कि आपका क्या है कि ये जो सपोज ये जैकेट या टॉप है, वॉट एवर, अब इसमें स्लैश पॉकेट होगा तो जस्ट यहाँ पे हल्की सी ऐसी लाइन आती है। सो दिस इज द कटिंग लाइन, और अंदर इसके अंदर पॉकेट बना होता है, उसी को स्लैश पॉकेट कहते हैं। स्लैश का मतलब होता है कट। नाउ द नेक्स्ट वन इज लोअर गारमेंट्स जो होते हैं, पैंट्स या स्कर्ट्स, उनमें भी काफ़ी सारे पॉकेट्स होते हैं। सो ये जो है राउंड शेप का, जीन्स में आपने मोस्टली देखे है ये पॉकेट्स। सो इसे फ्रंट हिप पॉकेट कहा जाता है। अगर यही शेप ऐसे क्रॉस होगा डायगोनल लाइन, तो उसे क्रॉस पॉकेट कहते हैं। देन इज बॉक्स पॉकेट है यहाँ पे। सो ये पैच पॉकेट का ही टाइप है, जस्ट यहाँ पे बॉक्स बनाया जाता है। सो टूल किट्स वगैरह रखने के लिए मोस्टली वर्कर्स होते हैं, उनके यूनिफॉर्म में ये ज़्यादा करके यूज किए जाते हैं बॉक्स पॉकेट। देन इज फ्रंट हिप पॉकेट। सी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज कि दिस इज द स्कर्ट या पैंट, वॉट एवर, तो यहाँ पे साइड में ये जो ऐसे राउंडेड शेप के पॉकेट्स होते हैं, इन्हें फ्रंट हिप कहा जाता है। सो फ्रंट हिप पॉकेट, यही क्रॉस ऐसे डायगोनल लाइन होगी, तो इसे क्रॉस
पॉकेट कहा जाता है। सो आपके ड्रेस में फ्रंट हिप पॉकेट हो सकता है या क्रॉस, ऐसे एक ही, इसमें आपको ऐसे दोनों नहीं दिखाने हैं, ओनली वन साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। उसी के साथ साथ आपके मोस्टली पैंट्स जो होते हैं, पैंट्स में यहाँ से देखो साइड की जो लाइन होती है, साइड सीम। सो सपोज दिस इज द पैंट, ये मैं साइड पोर्शन दिखाती हूँ, साइड है, और ये जो साइड होता है, वन साइड मैंने दिखाया है हाफ पैंट का। अब यहाँ पे ये जो साइड की सिलाई आती है, इसमें यहाँ पे ये जो पॉकेट्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है साइड पॉकेट। ओके, सो साइड पॉकेट, ये जो बॉक्स पॉकेट हमने देखा, तो बॉक्स पॉकेट भी यहीं पे अटैच किया जाता है। सो इसे बॉक्स कहेंगे हम, इसे इस तरह से ड्रॉ करना है। बॉक्स पॉकेट के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। सो हमने अभी देखा है वेरियस टाइप्स ऑफ पॉकेट। सो सबसे फर्स्ट तो पैच पॉकेट हमने स्टडी किया, पैच पॉकेट उसके पैटर्न्स कैसे बनाने हैं। बाउंड एंड स्लैश पॉकेट हमने यहाँ पे देखा, देन क्रॉस पॉकेट, फ्रंट हिप पॉकेट, ये हमने और सीखा कैसे ड्रॉ करना है। उसी के साथ साथ बॉक्स पॉकेट को भी देख लिया है, हाउ टू ड्रॉ। देन इज फ्लैप मतलब क्या, वो भी हमने देखा है। अब ये जो है इनके पैटर्न्स जो बनते हैं, सो जैसे कि फ्लैप है, तो अभी ये फ्लैप के पैटर्न्स, सी यहाँ पे सेंटर में वी शेप दिखाया है, दिस इज द क्रॉस, एंड यहाँ पे हम लाइक ऐसे कुछ लेस या फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं इफ इट इज यूज इन लेडीज वेयर या चिल्ड्रंस की गारमेंट में होगा। तो ये पैटर्न बन जाता है लाइक दिस। उसी के साथ साथ हम उसे स्ट्रेट भी दिखा सकते हैं, फ्लैप, यहाँ की साइड में ऐसे भी पैटर्न। सो बहुत सारे शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड दिस इज द मेन पार्ट कि पॉकेट्स का डिज़ाइनिंग सीख लो। आप जितने टाइप के पॉकेट ड्रॉ कर सकते हो वो ड्रॉ करो, उन्हें कलर करके प्रैक्टिस करो, सो दैट आप जो गारमेंट्स बनाओगे उनमें आप अलग अलग टाइप के पॉकेट्स दिखा सकते हो। ओके, सो आज जो आपने ये स्टडी किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉकेट्स, इनका आप प्रैक्टिस करो, डिफरेंट शेप्स आप ड्रॉ करना सीख लो। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अर्चना फैशन डिज़ाइनिंग।